तो अगर हम बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच की बात करें तो इसको बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इसको लेके बहुत सारी आलोचनाएं डिबेट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस या एक कितना विकास हुआ है व्यक्ति का उसको देखने की आईएलओ ने जो था, मैं आईएलओ यूज़ करूँगी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म, उसने 6 बेसिक नीड बताया कि अगर मनुष्य की 6 बेसिक नीड फुलफिल हो रही है तो आप मान सकते हो कि हाँ बेसिक चीज़ें मतलब उसके जीवन में जो फंडामेंटल, या फंडामेंटल का मतलब आप समझते हो ना, बेसिक का मतलब एकदम जो न्यूनतम, न्यूनतम जो शब्द हिंदी में यूज़ होता है, न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं इंसान की अगर वो पूरी हो रही है तो हम मान सकते हैं कि हाँ विकास है। तो उसके लिए उन्होंने 6 चीज़ें आइडेंटिफाई की, हेल्थ यानी इंसान का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है, खाना उसको मिल पा रहा है कि नहीं, अच्छा पानी जो साफ पानी का पीने का है उसके पास है कि नहीं, साफ सफाई है, अच्छी जगह पर रह रहा है, ठीक ठाक घर है, ये भी 6 चीज़ें उसकी हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स हो गए जो कि बात की जा रही है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ठीक है तो सही बात है कि हाँ विकास के लिए सब जरूरी है या विकास इससे हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब बताइए कि ये बेसिक नीड्स को डिसाइड कौन करेगा? आईएलओ ने तो बोल दिया जरूर। अब घर का मतलब इसने बोला कि घर होगा, ठीक है हम एग्जांपल के लेते हैं, तो मान लीजिए कोई स्लम में रह रहा है, घर तो उसके पास है, तो लेकिन क्या आप उसको बोलेंगे कि वो सही जगह पर रह रहा है? सैनिटेशन की बात है, अब हर जगह पे जो साफ सफाई का लेवल है या हर देश में जो साफ सफाई का लेवल है वो एक नहीं है, फिर हम किस मतलब ये जो आइडिया है ना, जो इन्होंने 6 लेवल या 6 चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर दी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कौन डिसाइड करेगा कि नीड्स क्या है? ठीक है, लोग डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी, स्टेट डिसाइड करेगा, कौन करेगा? ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या चीज़ों को हम बेसिक माने, आईएलओ ने कंसिडर कर दी। ठीक है, चलिए ये तो छह चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, 6 चीज़ें लिखी हुई हैं आईएलओ ने। ठीक है, आईएलओ ने कंसिडर कर दिया कि ये बेसिक है, इसने बताया कि बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, जो इंसान की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान वाली वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसने कहा कि एम्प्लॉयमेंट भी, आईएलओ ने बोला कि एम्प्लॉयमेंट भी एक बेसिक नीड है, जब तक आप काम नहीं करेंगे आपके पास पैसा नहीं होगा तो बाकी खाना पीना रहना कहाँ से आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक बेसिक नीड है। ठीक है, अब सिडनी वेब है, इनके हिसाब से लेजर भी एक इंपॉर्टेंट नीड है। लेजर मतलब मान लीजिए इंटरटेनमेंट, आराम करने का समय, कई लोग होते हैं जो पूरे सप्ताह दिन भर काम करते रहते हैं, उनके जीवन में 10 मिनट आराम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये भी बेसिक नीड है कि भाई लोगों को आराम करने की भी वो होनी चाहिए, चाहे इंटरटेनमेंट का भी होना चाहिए। अब अगर हम चाइना की बात करें तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो कर्म कांड होता है वो अच्छा होना भी एक बेसिक नीड है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि जो बेसिक नीड का कॉन्सेप्ट है वो हर देश में, हर समय में, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो डिसाइड कौन करेगा कि बेसिक नीड क्या हो? आईएलओ ने तो 6 बोल दिया, लेकिन वो 6 नीड हर जगह अप्लाई हो ज़रूरी नहीं, और हर देश में बेसिक नीड का जो आइडिया है वो अलग है। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ गए। उसके बाद मान लीजिए कि आप के पास जैसे कि आपको फूड है, खाना हो गया, पहनने का हो गया, रहने का हो गया, पानी हो गया, साफ सफाई हो गया, ये सब चीज़ें आपको जरूरी है कि आप मतलब आपका स्वास्थ्य जो है, जो आपका हेल्थ है वो सही रहे। ठीक है, बट मान लीजिए अगर हम देखें कि क्या आपको जितना कपड़ा मिल रहा है या जिस प्रकार का खाना मिल रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? मान लीजिए कि आपको खाना मिल रहा है, हम कह देते हैं कि आपको खाना मिल रहा है, 3 टाइम आप खाना खा रहे हो, बट आप सूखी, सो मान लीजिए कि जो आपको फूड मिल रहा है या जो फूड आप खा रहे हैं वो जितनी भी आपकी आवश्यकता है आपके जीवन में, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आपको, जितने पोषण तत्वों की ज़रूरत है उससे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं? या जो खाना आपको मिल रहा है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, आप जिस जगह पर रह रहे हैं नहीं दे रहे, तो फिर हम इसको कैसे बेसिक नीड बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए इस पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं, इस पर ये भी डिबेट हुआ है कि क्या
आप कुछ बेसिक चीजें चूज कर रहे हैं, आपकी बेसिक नीड चूज कर रहे हैं, तो क्या वो आप खुद की चॉइस की वजह से कर रहे हैं या अंडर प्रेशर कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए, बेसिक नीड अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और हर देश पे अप्लाई होने वाला फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज बेसिक नीड्स बदल सकते हैं। क्या बेसिक नीड जो आप सोच रहे हैं या जो बेसिक नीड आप मतलब चूज कर रहे हैं, क्या वो खुद से चूज कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में आके, या आपके पास वही वही ऑप्शन है? ये भी एक वो डिस्क्रिप्शन है। अब एक और चीज़ है कि पार्टिसिपेशन, आप कितना पार्टिसिपेशन करते हैं। आप कुछ भी पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस का, तो कहा जाता है कि जैसे कि हमने लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर किया है, वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, कि हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, तभी हम लोगों को इम्पावर कर पाएंगे। नारी सशक्तिकरण या जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी ST ST, उनका अगर हम सशक्तिकरण करेंगे यानी इम्पावरमेंट करेंगे, तभी पॉसिबल है जब वो पार्टिसिपेशन करेंगे। पार्टिसिपेशन करेंगे तो हम उनकी आवश्यकताएं समझ पाएंगे। अब सब आवश्यकताएं समझ पाएंगे तो उसी के हिसाब से प्लानिंग होगी, और फिर जो प्लानिंग होगी वो उन तक पहुंच पाएगी। लेकिन क्या सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा? अनदर एक और क्वेश्चन उठता है। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट की तरफ अपना ध्यान वो कर देते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन हो रखा है, मैं आगे इसको आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इस अप्रोच से हमें वेदर बेसिक नीड्स आर एंड इन इट सेल्फ और दे आर इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बेसिक नीड से हम मान ले कि इतनी चीजें पूरी हो जाए तो खत्म, ठीक है, 6 चीजें मिल गई तो सब कुछ खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, और क्या ये दिखाता है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट में आवश्यक है? ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन के एज में हम रह रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल सपोर्ट है, क्या वो जो बेसिक नीड्स हैं उसको मोबिलाइज करेगा या उससे एक लेवल ऊपर बढ़ाएगा? और उसके बाद व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी इराडिकेशन एंड रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटीज, कि हम गरीबी को किस तरीके से हटाएं या गरीबी को खत्म करें, और क्या हम किस तरीके से जो इनकम में इनइक्वालिटीज है, कोई इंसान खुद हद से ज्यादा पैसा है कि वो पता नहीं कितने जन्मों तक खर्च ना कर पाए और किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं इस बेसिक नीड की थ्योरी को लेके। तो हम AK सेन जी का जो आइडिया है उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल बता दूंगी कि इसमें क्या वो है। तो इन्होंने बात की कि नीड सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस एंड कमोडिटी बेस्ड अप्रोचेस प्रेजेंट वन साइड व्यू ओनली। नीड हमारी आवश्यकता, क्या हम उस आवश्यकता को फुलफिल होने से हमें मतलब जो चीज़ें बेसिक नीड में कही गई वो चीज़ें मिल गई तो क्या हम सेटिस्फाइड हैं, क्या हम खुश हैं? इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, इस टाइप की जो डेटा होती हैं, जो बहुत सारे ऐसे डेटा आते हैं आपके हैप्पीनेस इंडेक्स, कॉमोडिटी इंडेक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इनके हिसाब से वो केवल एक साइड का व्यू प्रस्तुत करती हैं, वो सारे व्यूज प्रस्तुत नहीं कर पाती। ठीक है, डेवलपमेंट जो विकास है वो एक अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स चीज है कि आप उसको कोई एक डेटा से समझ नहीं सकते, ये बहुत सारे लेवल पे प्रोसेस होगा तब इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे सेन हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हैं ना, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बेसिक नीड नहीं, बेसिक नीड के अलावा आप कितने फ्री हो, कितना आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या आप अपने मतलब अपनी जो चॉइसेस हैं जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बहुत सारा फ्रीडम। डेवलपमेंट का मतलब, विकास का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो दो ऑप्शन हमें मतलब एक स्टोरी के थ्रू हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कितना डिफरेंस है फ्रीडम में। वो 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक भिखारी जो भूखा है, एक मॉन्क, ठीक है, फास्ट कर रहा है, मतलब एक संत हो गए कोई जो फास्ट कर रहे हैं, वो खाना वाना नहीं खा रहे, और गांधी जी अपने हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मतलब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ठीक है, तो जो संत हैं जो व्रत कर रहे हैं और गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, यानी उनके पास एक तरीके की कैपेबिलिटी, आप जिस तरीके से समझते हो, एबिलिटी होती है कोई चीज़ की कर पाने की शक्ति, समझ लीजिए उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों अपनी चॉइस से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भूखा भिखारी है
उसके पास क्या है, उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, उसके पास लो कैपेबिलिटीज है और लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो खा सके, तब वो भूखा है। इन लोगों के पास, ये दो एग्जाम्पल्स के पास, ये लोग अपने, इनके पास फ्रीडम है कि ये चूज कर सकते हैं कि हमें नहीं खाना है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो चूज कर सके। यानी ये एक लो लेवल ऑफ ह्यूमन, यानी विकास का ऐसा दर्पण हमें दिखा रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि उन्होंने ऊपर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक एक मान लीजिए कि एक फलों की टोकरी है, तो हर किसी के लिए वो अलग अलग मतलब रख सकती है, हर किसी के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। किस तरीके से उसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने उम्र के हैं, आप कितना पचा पाते हैं, आप फिजिकल मेंटल लेवल पर कितना, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक प्रेग्नेंट औरत है या जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। किस जगह पर आप काम कर रहे हो, आप बहुत ऐसा मतलब एकदम पसीना बहाने वाला लेबर वाला काम कर रहे हो, या एकदम ऑफिस में बैठ के एसी वाला काम कर रहे हो, कैसे जगह पे, क्लाइमेट गर्म देश है ठंडा देश है क्या है, उसके बाद आपकी नॉलेज क्या है, आप न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में क्या समझते हो, फूड के बारे में क्या समझते हो, आप किस तरीके से पका रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक कंज्यूमर के लिए, या उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ों की हमने जो डिस्कशन की वो बहुत ही सारी डिग्री ऑफ एजुकेशन और आसपास की एनवायरमेंट, उसका जॉब, ये सब डिसाइड करता है। तो केवल कह देना कि बेसिक नीड के ये लिमिट हैं या बेसिक नीड में ये चीज़ें हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, एक बहुत ही खराब तरीका है किसी चीज़ को जज करने का या बताने का कि ये विकास को बता सकता है। विकास, बिकॉज विकास सबके लिए अलग हो सकता है, विकास के महत्व सबके लिए अलग हो सकते हैं, विकास का जो लेवल है वो ज़रूरी नहीं है सबको। अभी मान लीजिए कोई ऑफिस में वर्कर काम, मतलब ऑफिस में कोई ऑफिस में काम कर रहा है गर्मी में एसी में बैठ के, ठीक है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ैन या इस टाइप की ज़रूरत है, वो अच्छा कमा रहा है। लेकिन कोई धूप में लेबर काम कर रहा है, उसकी खाने की नीड, उसके रहने की नीड, उसकी सब कुछ नीड अलग है एक ऑफिस वाले वर्कर जो एसी में रह रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि केवल बेसिक नीड आप बता देते हैं कि ये पूरा हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन जिस कॉलेज में वो चाह रहा है उसका फीस मे बी, मतलब मान लीजिए कोई मिडिल क्लास से है, ठीक है, और एजुकेशन वो चाह रहा है, उसने ठीक ठाक एजुकेशन लिया है, पर वो कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाह रहा है जिसकी फीस बहुत हाई फाई है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि उसकी नीड फुलफ़िल हो रही है, क्या वो सेटिस्फाइड है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज़ से निकलते हैं। आपके भी व्यूज़ क्या हैं इसको लेके, ये बेसिक नीड वाले थ्योरी को आपने कहीं से पढ़ा हो कोई पेपर वगैरह में, तो आप क्या समझते हैं इससे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम डिस्कशन आगे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि कोई भी थिंकर इस आइडिया को लेकर बहुत खुश नहीं है, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मानव विकास होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोगों की चॉइस है, ठीक है, आपकी चॉइसेस होती है ना कि भाई ये नहीं, मान लीजिए आप दुकान पे गए तो ये टॉप मैं नहीं पहनूंगी, मुझे ये वाला खरीदना है, भैया मैं ये नहीं लूँगी मुझे वो वाला लेना है, आप इस तरीके से शॉप पे जाके कर सकते हो, वो क्या है, आपकी चॉइस है। यानी आपकी जो चॉइस है कि आप ये जॉब कर सको, ये पढ़ाई कर सको, ये, ठीक है, बहुत सारे लेवल पे आपकी चॉइसेस होती हैं, आप किसको जिताना चाहते हो पॉलिटिक्स में, कौन आपका फेवरेट लीडर है, ये सब आपकी चॉइसेस हैं। उसके बाद आपकी चॉइस, मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हों, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक मान लीजिए आपकी शिक्षा आपके हिसाब से हो, आपका हेल्थ केयर, मतलब आपको जो भी इलाज की आवश्यकता हो, ये नहीं है कि आप दर्द सह रहे हो और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब डॉक्टर के पास जा सको, इनकम, जॉब हो, मतलब आजकल तो जॉब की बहुत बड़ा मारामारी है, बट जॉब हो आपके पास। उसके बाद बहुत सारे, आप ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके पास आर्थिक राजनीतिक फ्रीडम हो, आज़ादी हो, अपनी बात कहने की आज़ादी हो, आप जो सोच रहे हो समझ रहे हो उसको कह पा रहे हो, लोग उसे सुन रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि जैसे आप नॉर्थ कोरिया में चले जाए आप वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, आप अगर अपने राजा के खिलाफ कुछ भी बोल दिए तो आपका तो नरसंहार वहीं पे कर दिया जाएगा, आपके 3 जनरेशन का भी किया जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी, आप समझ गए कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़ीरो है, वहाँ कोई विकास नहीं है, क्योंकि आपके बोलने का अधिकार, आपके जीने का अधिकार, आपका जॉब्स का अधिकार, ये सब अधिकार आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका मानवीय विकास को दिखाता है कि आप कितने, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। आपको कभी भी मार दिया जा रहा है,
आपको जब मर्जी उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, या आपको जिस प्रकार की हेल्थ की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो नहीं हो पा रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो विकास आपका और आपके देश का होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइंड तो कर दिया, पर जो UNDP है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो बोलता है कि इतना सिंपल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन कर पाना। ठीक है, यहाँ पे तो हमने चार पांच चीज़ों के बारे में बात कर ली, मतलब हमने कर ली थोड़ी बहुत चीज़ों की बात, बट हर समय हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है। इसने एक रिपोर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जैसे कि आपके पास चॉइस होना चाहिए कि आप एक लंबी खुशहाल हेल्दी लाइफ जिए, ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज जो हो आपके पास, संसाधन वो सारे हों जो एक अच्छे जीवन प्रणाली के लिए आवश्यक थे, एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको आपका पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, आपके ह्यूमन राइट्स, आप ह्यूमन राइट्स जानते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स सबको पता है, अगर आपको ह्यूमन राइट्स पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। उसके बाद आपको सब सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपको और लोग भी रिस्पेक्ट करें आपको, मतलब ठीक है, बहुत एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है डिफाइन कर पाना, ठीक है। तो हम रिपोर्ट में ये सब चीज़ें देखते हैं जो कुछ चीज़ें बताती हैं कि हमारे मतलब डेवलपमेंट क्या होता है। तो विकास का मतलब ये है कि लोगों के पास चॉइसेस हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सके, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन हाँ, एक ये भी सच्चाई है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मतलब आप खुश रहोगे। मतलब मान लीजिए किसी रिपोर्ट में कह दिया ये चीजें हो, लेकिन जरूरी नहीं है, उससे गारंटी नहीं है कि आप खुश ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट यानी विकास का एक एम हो कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाए, ऐसा आसपास का माहौल बनाए कि जहाँ पे लोग अपना फुल पोटेंशियल, जो भी उनके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी उनके अंदर मतलब एक एनर्जी होती है या कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, ब्रेन होता है, उसका सही प्रयोग करके एक क्रिएटिव और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीवन जी सके, प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, पढ़ने में शुरुआत से बहुत अच्छा है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो सारे इक्वेशन सॉल्व कर ले रहा है जो दिख रहा है, पर वो एक लेवल पे जाता है, उसके घर के पास पैसा नहीं होता, उसको उस तरीके के स्कूल नहीं भेज पाते, कॉलेज नहीं भेज पाते, तो जो उसका एक पोटेंशियल थी, जो उसके पास एक भगवान का दिया हुआ, चाहे उसने जो खुद भी डेवलप किया हो, एक ऐसा स्किल था, एक पोटेंशियल था जिससे वो आगे जाके बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन सकता था, वो पूरा नहीं हो पाया। किस वजह से? कि कहीं ना कहीं जो उसको आवश्यकता थी उस तरफ, उस रास्ते पे लेके जाने के लिए, पैसे की या अच्छे स्कूल या कॉलेज की, उसको मिल नहीं पाए, ठीक है। तो विकास का मतलब ये है कि जिसके अंदर ही पोटेंशियल हो वो एक अच्छा जीवन जी सके और उसके पूरे पोटेंशियल, देखिए हर किसी के अंदर, मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर पोटेंशियल ना हो। ऑफकोर्स मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो इनसेन कैटेगरी में आते हैं, उनके अंदर भी पोटेंशियल है अगर उनका इलाज वगैरह किया जाए तो, ठीक है। तो हर किसी के पास है। ये होता है कि जो सिचुएशन होती है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, आपकी मतलब फैमिली का इनकम, ये सब बहुत सारी फैक्टर होती है डिसाइड करने में, आपको मदद करती है कि आप किस तरीके का जीवन आगे जी पाओगे, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, जो विकास का ये काम है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी, मतलब जो इंसान की हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारी एबिलिटीज हैं, उसको डेवलप करें, ठीक है। जैसे कि अच्छा हमारे पास हेल्थ हो, नॉलेज हो, उसके बाद हम अपने जीवन की जितनी भी कैपेबिलिटीज जो भी हमारे अंदर, जो आपकी क्षमताएं हैं कुछ भी कर गुजरने की या कुछ भी प्राप्त करने की, वो हो, ठीक है। और ह्यूमन फ्रीडम, जो इंसानी का, लोगों का जो मतलब फ्रीडम है, जो हमारी देखिए एक चीज समझिए, आपके पास मान लीजिए कितनी भी चॉइसेस हैं कि भाई आप ये नहीं ये बन सकते हो, ये नहीं वो बन सकते हो, ठीक है, लेकिन तभी पॉसिबिलिटी है ना कि जब उसको आप एक्सप्रेस कर सके। मान लीजिए कि हमने गांव में सबको अधिकार दे दिया, 1/3 औरतों को हमने अधिकार दिया हुआ है कि आप चुनाव लड़के मुखिया बन सकती हैं या चेयरपर्सन का सीट ले सकती हैं, ठीक है, वो ले तो लेती हैं, ठीक है, टेक्निकली वो ले लेती हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी जो शक्ति होती है उसका प्रयोग ज्यादातर उनके घर के जो आदमी लोग हैं वो लोग करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक पेटियार की समाज में जी रहे हैं, यानी औरतों के पास
फ्रीडम ही नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने की, खुद की चॉइस को बताने को। अदरवाइज अगर उनके पास अगर आज़ादी होती कि वो अपने हिसाब से चल सके तो वो जीतती, तो खुद के हिसाब से वो डिसीजन लेती कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन वो कहने के लिए चुनावों को जीतती हैं, लेकिन उनके पावर का जो प्रयोग होता है वो उनके घर के आदमी लोग करते हैं, ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल आपकी बेसिक नीड पूरी हो। ठीक है, इसके इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, आप जो विकास हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये हर कंट्री पे है, ये नहीं है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पूरा हो गया है, अमेरिका में ह्यूमन डेवलपमेंट अपने पूरे ऊंचाइयों को छू लिया, ऐसा नहीं है। वहाँ भी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानवीय विकास में बहुत वो पिछड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि ये हर कंट्री की नीड है और सिर्फ बेसिक नीड तक सीमित नहीं है। आपकी जो न्यूनतम जो इच्छाएं हैं या जो न्यूनतम आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कह सकते हो कि बस इतना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे की एलिमेंट भी हैं इस रिपोर्ट के जो बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाले जाते हैं अलग अलग देशों के, आप गूगल करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख सकते हो कि कौन से देश में कितनी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो वो लोग कई सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके चेक करते हैं कितना विकास है। ठीक है, इंडिया अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये टॉपिक भी हम अभी करेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है,